योगेश टेक्निकल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें यूजफुल वीडियो देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश कोचिंग टेक्नीशियन योगेश टेक्निकल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने जाना चित्र दस पी के पैरामीटर्स के बारे में। उस पर मैं पहले वीडियो बना चुका हूं दोस्तों। हमारा मेन उद्देश्य है चित्र दस टी के बारे में जानना, इसके पैरामीटर को कैसे सेट किया जाता है। उसी कड़ी में दोस्तों आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि चित्र दस टी के पैरामीटर कैसे आसानी से सेट करें। सबसे पहले दोस्तों हमें इसको चित्र दस टी के मोड में लेके आना पड़ेगा। उसके लिए आपको प्रोग्राम और सेटिंग के बटन को हल्का सा टच करना है और कुछ सेकंड के बाद आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होने लग जाएगा जो मोड करंट इसमें चल रहा है वो मोड। देखिए दोस्तों, पी मोड करंट चल रहा था इसमें, सेंसिटिव बहुत ज्यादा दोस्तों, ये टच स्क्रीन वाला माइक्रो प्रोसेसर है, हल्का सा टच करते ही ये अपना काम करना शुरू कर देता है। देखिए दोस्तों, ये मैंने आपको बताया था कि आप इसको ई पी और टी को किसी भी मोड में ला सकते हैं। इसको आज हम टी मोड पर सेट करेंगे। दोस्तों मैंने इसको टी मोड पर सेट कर दिया है। आज मैं आपको इस वीडियो में चित्र दस टी के सभी पैरामीटर्स के बारे में बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले दोस्तों इसके हम पैरामीटर देख लें कि इसमें कंपनी ने क्या क्या एडवांस दिया हुआ है। हम प्रोग्राम का जो बटन है जिससे हम अप डाउन भी करते हैं उसको हल्का सा दबाकर यानी कि टच करके रखेंगे, क्योंकि जो पहले मैकेनिकल स्विच आते थे उनमें दोस्तों प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता था कई बार। अब कंपनी ने जो पीवीआरएस के ये सभी जो कंट्रोल हैं बहुत अच्छा ये मॉडल निकाला है जो बहुत ही काम का है। देखिए दोस्तों, मैंने प्रोग्राम को हल्का सा टच किया और स्क्रीन पर P1 फ्लैश होने लग गया है। ये P1 हमारा 7510T का ही पैरामीटर्स है, वो मैं आपको डिटेल से आगे बताऊंगा। सबसे पहले हम इसके सभी पैरामीटर्स को एक बार देख लेते हैं। उसके बाद दोस्तों P2 है, उसके बाद P3 है, उसके बाद P3 के बाद दोस्तों HS है। दोस्तों ये नया पैरामीटर्स है जो कंपनी ने जोड़ा है। उसके बाद LS है, उसके बाद दोस्तों P4 है, उसके बाद P5 है, P6 है और ये OT पैरामीटर है दोस्तों, ये E1 पैरामीटर है, ये CN पैरामीटर है, ये CY पैरामीटर है, ये DD पैरामीटर है, ये AD पैरामीटर है, ये PO पैरामीटर है, ये PA पैरामीटर है, ये LP और ये FS और दोस्तों ये एंड प्रोग्राम। तो दोस्तों आपने देखा कि कंपनी ने कितने नए पैरामीटर इसमें ऐड किए हुए हैं। ये सभी पैरामीटर दोस्तों हमारी मशीन को सुरक्षा प्रदान करते हैं, उनको सेफ रखने के लिए, उसकी काम की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए ये सभी पैरामीटर्स बहुत काम के साबित होते हैं। हम चलते हैं शुरू से। तो दोस्तों सबसे पहले जिस काम के लिए हम इस माइक्रो प्रोसेसर का यूज करते हैं यानी कि हमारी मशीन को एक निश्चित टेम्परेचर पर कट ऑफ और ऑन करने के लिए, सबसे पहले हम वो सीखते हैं कि हम इस पॉइंट को कैसे सेट करें। उसके लिए सबसे पहले आपको सेट पर हल्का सा टच रखना पड़ेगा और कुछ सेकंड वेट करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, ये स्क्रीन ब्लिंक करने लगी, 0 का आप देख रहे हैं। अब हमें जितने भी डिग्री पर उसको सेट करना है टेम्परेचर अपनी मशीन के हिसाब से, इसको आप ऊपर या नीचे करके कर सकते हैं। देखो दोस्तों, ये माइनस में है अगर आप नीचे करेंगे, और अगर आपको प्लस में करना है तो आप ऊपर की तरफ प्लस में जाकर इसको छोड़ सकते हैं। दोस्तों हम इसको 28 से ऊपर छोड़ेंगे क्योंकि टेम्परेचर जो कमरे का है वो 28 के लगभग है। अगर हम इसको नीचे सेट करेंगे तो हमारा अलार्म बीच में बीप बीप करता रहेगा और जिससे हमें व्यवधान उत्पन्न होगा, इसलिए हमने इसको 35 पर सेट करके छोड़ दिया है। ये देखिए आपका दोस्तों, ये 35 पर सेट हो गया है। अब आपका जो जितने पैरामीटर्स हैं वार्निंग के, वो 35 से नीचे या ऊपर होने के बाद वो आपको सूचित करते रहेंगे। अब हम चलते हैं दोस्तों आगे। अब हमें प्रोग्राम के जो बटन्स है इस पर पुश करना, हल्का सा टच करना है
देखिए दोस्तों P1 पैरामीटर फ्लैश होने लगा है। P1 पैरामीटर किस चीज का है वो हम आगे चलते हैं, अभी बताता हूं मैं आपको। अगर हमें P1 पैरामीटर सेट करना है तो हमने प्रोग्राम के बटन को पुश किया और फिर सेट के बटन को दबाया। अब आपके सामने जीरो का फिगर है, ये कंपनी सेटिंग है दोस्तों। ये है कूलिंग मोड ऑप्शन, अगर आपको आपकी मशीन को हीटिंग मोड पर रखना है या कूलिंग मोड पर रखना है कि आप उसे किस तरह का लेना चाहते हैं, किस तरह के टेम्परेचर को कंट्रोल करवाना चाहते हैं, हीटिंग वाले टेम्परेचर को या कूलिंग वाले को, उसके हिसाब से आपको ये सेटिंग पहले करनी पड़ेगी सबसे पहले। इसलिए कंपनी ने इसको कूलिंग मोड पर सेट किया हुआ। अगर आपको हीटिंग मोड पर सेट करना है तो आप इस अप डाउन के ऊपर वाले बटन से इसको एक पर लाकर सेट कर सकते हैं, तो आपका ये प्रोसेसर हीटिंग मोड पर काम करेगा। अगर आप कूलिंग मोड पर काम करना चाहते हैं तो आप इसको जीरो पर ही रख के इसके सेट के बटन को टच कर दीजिए और आपका ये कूलिंग मोड पर सेट हो गया है। अब हम चलते हैं आगे वाले पैरामीटर की तरफ दोस्तों। ये हमारा आ गया दोस्तों P2। P2 दोस्तों पैरामीटर है हाई टेम्परेचर लिमिट के लिए, यानी कि मान लीजिए कई बार हम अपनी मशीन को एक ऊपर की लिमिट तय करते हैं, मान लीजिए कि हमारी 25 तक भी हमें कोई आपत्ति नहीं है मशीन के टेम्परेचर आने पर, उसके बाद अगर मशीन का टेम्परेचर जाता है तो आप वार्निंग के लिए कि हमें मशीन वार्निंग दे इससे ऊपर जाने के बाद, उसके लिए हम ये पैरामीटर सेट करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों देखिए P2 फ्लैश कर रहा है, मैंने आपको बताया कि ये आपके डिस्प्ले पर एक वार्निंग के रूप में इंगित हो जाएगा जब आप इसकी कैपेसिटी को सेट कर देंगे, यानी कि अगर 50 से ऊपर टेम्परेचर जाएगा हाई टेम्परेचर तो आपका डिस्प्ले पर HT लिखा आना शुरू हो जाएगा। इसलिए आपको जितना रखना है आप इसको अप डाउन करके उतना सेट कर सकते हैं। मान लीजिए हमने 50 डिग्री ऊपर की लिमिट रखी, अब क्या होगा दोस्तों कि 50 पर आने के बाद ये टेम्परेचर पर हाई टेम्परेचर करना शो शुरू कर देगा। देखिए जैसे हमने 30-35 की रखी थी, इसको मैं थोड़ा कम कर रहा हूं दोस्तों, अब मैं आपको दिखाऊंगा कि वो कैसे शो करता है। ये मैंने सेट कर दिया दोस्तों, देखिए ये घंटी का आ गया है। मैं आपको एक बार दोबारा से इसको दिखाना चाहता हूं कि ये कैसे वार्निंग देगा, इसलिए मैं इसको वापस एंड प्रोग्राम पर ले जाकर आपको वो चीज दिखाने की कोशिश करता हूं। देखिए दोस्तों ये HT, ये वार्निंग का सिग्नल, क्योंकि हमने टेम्परेचर को 30-35 पर सेट किया हुआ था और उससे टेम्परेचर ज्यादा जाते ही ये दिखना शुरू हो गया है HT, यानी कि हाई टेम्परेचर। इसको हम दोबारा से फिर वही सेट करें दोस्तों, जो P2 का पैरामीटर था हमारा उसको हम थोड़ा ऊपर लेके जाएंगे ताकि ये वार्निंग आना बंद हो जाए। तो दोस्तों देखिए हम P2 के पैरामीटर को फिर दोबारा से सेट करते हैं, इसको ऊपर लेके जाते हैं ताकि जो हमारा अलार्म वाला सिग्नल है वो ना आए। तो दोस्तों मैंने इसको सेट कर दिया है, देखिए अब ये अलार्म वाला सिग्नल नहीं आ रहा। अब हम चलते हैं दोस्तों आगे वाले पैरामीटर पर, P3 दोस्तों। P3 दोस्तों लो टेम्परेचर लिमिट, यानी कि हमने एक लो टेम्परेचर लिमिट सेट कर दी, जैसे हमने हाई टेम्परेचर लिमिट सेट की थी उसी तरह लो टेम्परेचर जो लिमिट है वो सेट हो जाएगी, और उसके बाद अगर हमारा टेम्परेचर से नीचे जाता है तो डिस्प्ले पर वही आना शुरू हो जाएगा। ये भी हमारी आप इसको -40 तक लेके जा सकते हैं मैक्सिमम रेंज, ये हमने सेट कर दोस्तों। अब हम चलते हैं आगे वाले पैरामीटर पर, अब है दोस्तों हमारा HS। तो दोस्तों HS जो हमारा पैरामीटर है वो इस हिसाब से दोस्तों कि जैसे हमने HS पैरामीटर को एक फ्रीक्वेंसी पर लाकर सेट कर दिया, मान लीजिए हमने इसको 73 डिग्री, मान लीजिए मैंने इसको 55 डिग्री पर जाकर सेट कर दिया है, तो अब अगर कोई अदर पर्सन या मैं भी अगर इसको बिना किसी जानकारी के इसको डिस्टर्ब करने की कोशिश करता हूं, यानी कि मैं टेम्परेचर को ऊपर नीचे करने की कोशिश करता हूं या कोई भी मेरा नीचे काम करने वाला या मेरा कुलिक, तो वो टेम्परेचर उस लिमिट से ऊपर नीचे नहीं जाएगा, ये एक बाउंडेशन हो जाएगी। इसलिए ये भी दोस्तों पैरामीटर बहुत काम का है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम या कोई भी गलती से ये वैल्यू हमसे ही डिस्टर्ब हो जाती है जिसकी वजह से हमारी मशीन को नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों अब है हमारा पैरामीटर LS। जैसे हमने HS को सेट किया ऐसे ही हम LS को सेट करेंगे, यानी कि हमारी जो लो लिमिट है जिस पर हम इसको सेट कर देंगे तो ये उससे नीचे नहीं जाएगी,
वो मैं आपको दिखाऊंगा एग्जांपल के तौर पर। जैसे देखिए दोस्तों, हमने एलएस को माइनस हमने इसको 20 पर सेट कर दिया है। अब मैं एक बार ये सारे फंक्शन हमने इसको -3 पे सेट कर दिया दोस्तों। अब हम एक बार इसकी लिमिट को सेट करके देखेंगे ताकि आप भी कंफर्म हो जाएं कि हाँ ये उससे नीचे नहीं जाता। अब हम इमेजिन कीजिए कि हमने इसके लो लिमिट को सेट करना है, हमने सेट के बटन को दबाया या टच किया और देखिए मैं इसको आगे ले जा सकता हूं। अगर मैं इसको नीचे की तरफ लेके आऊंगा, देखिए दोस्तों ये -22 से नीचे नहीं आ पा रहा, यानी कि जो हमने लो लिमिट सेट की थी उससे नीचे हम इसको सेट नहीं कर सकते जब तक हम उस पैरामीटर में चेंजिंग ना करेंगे। जो हमारा एलएस का पैरामीटर है उसमें हम चेंजिंग ना करेंगे तब तक ये -22 से नीचे नहीं आ सकता, यानी कि हमारी गैर हाजिरी में कोई हमारे टेम्परेचर को डिस्टर्ब नहीं कर सकता। ये इस पैरामीटर का सबसे ज्यादा फायदा है। और दोस्तों आप जो ये दो पैरामीटर मैंने आपको भी बताए ये ओनली सिर्फ चित्र 10T के अंदर ही है। अब हम दोस्तों बात करेंगे आगे वाले पैरामीटर की, HSLS। अब दोस्तों है P4 पैरामीटर। P4 पैरामीटर दोस्तों डिफरेंशियल्स फॉर कंप्रेशर रिले ऑन कंडीशंस। जो दोस्तों डिफरेंशियल मैंने आपको दूसरे जो पैरामीटर P4 जो 76P वाले बताए थे उसी की तरह है। इसके अंदर हम दोस्तों एक डिफरेंशियल सेट करते हैं कि हमारा कंप्रेशर कट ऑफ होने के बाद कितने डिग्री टेम्परेचर बढ़ने पर कंप्रेशर को दोबारा स्टार्ट करेगा। मैं आपको जाकर एक बार दिखाता हूं। देखिए इस पे 2 है 3 है 4 है 5 है, यानी कि दोस्तों जैसे हमने हमारे टेम्परेचर को 20 डिग्री पर सेट कर दिया है, यानी हमें 20 डिग्री का टेम्परेचर लेना है उसके बाद हमारा कंप्रेशर बंद हो जाना है। उसके बाद क्या होता है, जैसे हमारा 20 डिग्री पर आने के बाद कंप्रेशर बंद हो गया और अब हमारा टेम्परेचर 21 डिग्री हो गया तो क्या हमारा कंप्रेशर चल जाएगा? नहीं दोस्तों, ये वही डिफरेंशियल है जितने पर हम सेट करेंगे। यानी कि मान लीजिए मैंने 20 डिग्री पर मेरे टेम्परेचर को सेट कर दिया है और अब मेरा टेम्परेचर बढ़कर 21 हो गया, 22 हो गया, 23 हो गया या फिर 24 हो गया, यानी कि वो डिफरेंशियल जितने पे मैं सेट करना चाहता हूं मैंने उसको कर दिया 23 पर। अब मेरा जो कंप्रेशर है वो 20 पर कट ऑफ होने के बाद जब 23 डिग्री पर हमारा टेम्परेचर पहुंचेगा तभी मेरा कंप्रेशर स्टार्ट होगा। ये इसलिए किया जाता है दोस्तों ताकि बार बार कंप्रेशर ऑन ऑफ ना हो, क्योंकि जैसे हमने 20 पर सेट कर दिया है और डिफरेंशियल 1 मिनट का हमने 1 डिग्री का रख दिया है, उसमें क्या होगा जैसे ही टेम्परेचर 21 डिग्री होगा तो कंप्रेशर ऑन हो जाएगा और फिर 1 डिग्री नीचे आते ही कंप्रेशर बंद हो जाएगा और ये शॉर्ट साइकिल बन जाएगा। इसलिए हमें डिफरेंशियल कम से कम 2 या 3 डिग्री का रखना चाहिए ताकि हमारी कंप्रेशर पर इसका बैड इफेक्ट ना पड़े। ये बहुत अच्छा पैरामीटर है दोस्तों, ये जो पहले वाले पीवीआर कंट्रोल के सब जीरो माइक्रोप्रोसेसर थे उनके अंदर भी ये पैरामीटर आपको उपलब्ध मिल जाएंगे। अब दोस्तों बात करते हैं आगे वाले पैरामीटर की, P5 पैरामीटर। P5 पैरामीटर दोस्तों मैं आपको बता चुका हूं प्रोब कैलिब्रेशन का है। इसमें क्या होता दोस्तों, अगर हमारे टेम्परेचर में जो हमारा कैबिनेट का टेम्परेचर है यानी कि जिस मशीन पर हमने माइक्रोप्रोसेसर को लगाया है और बाहर के जो टेम्परेचर उसमें ज्यादा डिफरेंस आ जाए बीच का, मान लीजिए बाहर 25 डिग्री टेम्परेचर है और हमारा कैबिनेट का जो टेम्परेचर है वो उसके हिसाब से बहुत डिफरेंस है, तो ये प्रोब कैलिब्रेशन का एक पैरामीटर है। इसको मैं आपको कभी विस्तार से बताऊंगा क्योंकि इसकी हमें इतनी खास जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जो हमारा ये कंट्रोलर है दोस्तों ये बहुत ही एक्यूरेसी वाला कंट्रोलर है, बहुत डिजिटल टाइप कंट्रोलर है इसमें, इसलिए ऐसी प्रॉब्लम आने के बहुत कम चांस होते हैं। और दोस्तों ये फैक्ट्री सेटिंग इसकी 0 ही होती है तो हम इसको 0 पर ही रखेंगे। अब हम चलते हैं दोस्तों आगे, P6 पैरामीटर, टाइम डिले कंप्रेशर रिले स्टार्ट आफ्टर कट ऑफ। तो दोस्तों P6 पैरामीटर मैंने आपको बताया, टाइम डिले कंप्रेशर रिले स्टार्ट आफ्टर कट ऑफ। दोस्तों ये बहुत काम का पैरामीटर है और ये आपको दूसरे सब जीरो के जो कंट्रोलर है उनमें मिल जाएगा। ये हमारी मशीन के कंप्रेसर की सेफ्टी के लिए, हमारी पूरी मशीन की सेफ्टी के लिए है। इसमें क्या होता है, जैसे हमने
टेम्परेचर को सेट कर दिया है 10 डिग्री पर, हमने उसके डिफरेंशियल को भी 2 रख दिया है जो इससे पहले वाला पैरामीटर आया था। उसमें क्या होता है, जैसे ही हमारा कंप्रेशर दोबारा रिस्टार्ट होता है तो उसमें हम एक टाइमिंग देते हैं कि हमारा कंप्रेशर कितनी मिनट के बाद स्टार्ट हो। आप इसको ऐसे ले लीजिए, मान लिया आपकी लाइट चली गई और लाइट उसी टाइम आ गई और आपका कंप्रेशर उसी टाइम स्टार्ट हो जाता है। उसमें क्या होता है कि हमारा जो प्रेशर है रेफ्रिजरेंट का वो इक्वलाइज यानी कि बराबर नहीं हो पाता और कंप्रेशर पर ओवरलोड पड़ता है, जिससे कंप्रेशर के पिस्टन पर असर पड़ता है। इसलिए ये पैरामीटर इसलिए दिया हुआ है कि आप लाइट जाकर जब कंप्रेशर स्टार्ट होगा तो उसका टाइम आप सेट कर सकते हैं, उसको आप 3 मिनट 4 मिनट कितना भी कर सकते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड है, लेकिन जो कॉमन है वो हम 3 मिनट ही करते हैं। जो फैक्ट्री सेटिंग है वो भी 3 ही मिनट है, यानी कि आपका कंप्रेशर किसी रीजन से बंद हो, आपका कंप्रेशर टेम्परेचर लिमिट यानी टेम्परेचर रेंज जो आपने सेट किया है उस पर पहुंचने के बाद बंद हो या लाइट आने जाने से बंद हो तो आपका कंप्रेशर 3 मिनट के बाद ही चलेगा। ये बहुत काम का पैरामीटर है। अब हम बात करें दोस्तों अगले पैरामीटर ओटी की, मिनिमम ऑन टाइम फॉर कंप्रेशर रिले। तो दोस्तों जो अब आपके डिस्प्ले पर फ्लैश हो रहा है ओटी, ये भी दोस्तों ओनली सिर्फ हमारे 7510T वाले मॉडल में ही उपलब्ध है। ये बहुत काम का पैरामीटर है, फंक्शंस मिनिमम ऑन टाइम फॉर कंप्रेशर रिले। यानी कि दोस्तों ये जो पैरामीटर है ये कंप्रेशर के रिले संबंधित है। जो पैरामीटर हमने अभी पीछे देखा उसका ही ये दूसरा रूप है, यानी कि इसमें कंप्रेशर की रिले को टाइम डिले करंट कितनी देर हमें देना है, यानी कि हम कंप्रेशर की रिले को भी स्वतंत्र रूप से ऑपरेट कर सकते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया कि जब कभी लाइट जाती है या कभी कंप्रेशर कट ऑफ होकर ऑन ऑफ होता है तो जो हमारा रेफ्रिजरेंट का जो प्रभाव होता है वो लो और हाई प्रेशर दोनों साइडों में अलग होता है। कभी हाई प्रेशर की तरफ ज्यादा हमारा रेफ्रिजरेंट होता है, कभी लो प्रेशर की तरफ हमारा ज्यादा रेफ्रिजरेंट होता है, और इसको इक्वल होने में कम से कम हमारे 2 या 3 मिनट दोस्तों लग जाते हैं। इसलिए ये कंप्रेशर की रिले की है कि आपका इसमें तो करंट आ जाएगा माइक्रो प्रोसेसर में, कंप्रेशर को भी आप अपने हिसाब से टाइमिंग दे सकते हैं। जो कंप्रेशर की रिले है देखिए इसमें 1 मिनट से लेकर 20 मिनट तक का है, लेकिन फिर भी वही हमारा जो कंपनी सेटिंग है वो हमारी 0 मिनट के, इसमें आप इसमें अपने हिसाब से टाइमिंग देकर से सेट कर सकते हैं। हम चलते हैं दोस्तों आगे E1। E1 पैरामीटर दोस्तों कंप्रेशर रिले स्टेटस इन केस ऑफ प्रे फेलियर। ये जो हमारे पीछे वाले माइक्रो प्रोसेसर है उनमें भी है दोस्तों। इसमें क्या होता है दोस्तों, मान लीजिए कि हमारा ये सेंसर फेल हो गया, हमारे इस सेंसर ने सेंस करना बंद कर दिया है, ये टेम्परेचर को सेंस नहीं कर पा रहा, उस सूरत में क्या होगा दोस्तों, उस सूरत में हमारा कंप्रेशर लगातार चलता रहेगा। और कंप्रेशर लगातार चलने से क्या होगा दोस्तों, या तो जो हमारा सामान जो हमारा पदार्थ जो हमारी वैक्सीन उस फ्रिज में उस आईएलआर में जो भी रखा है वो जम जाएगा, वो फ्रीज हो जाएगा और खराब हो जाएगा। और फिर ऐसी कंडीशन में हमारा कंप्रेशर भी लगातार चलते रहने से दोस्तों कंप्रेशर भी हमारा ब्रंट हो जाएगा। इसलिए अगर इस कंडीशन में हमारी प्रोब फेल हो गई है तो इस सेटिंग के जरिए हम अपने कंप्रेशर को और हमारे उस फ्रिज में उस मशीन में रखे हुए पदार्थ को सुरक्षित कर सकते हैं। वो आप देखिए, मान लीजिए मैंने इसको एक सेट कर दिया है, अब मैं दोबारा E1 को खोल रहा हूं दोस्तों, अगर हम इसको 0 कर देंगे तो कंप्रेशर रिले स्टेटस ऑफ हो जाएगा। यानी कि अगर हमारी प्रोब फेल हो गई है और हमने इसको 0 पर सेट कर दिया है तो उसमें हमारा जो कंप्रेशर है वो ऑफ हो जाएगा, यानी कि उसमें हमारा कंप्रेशर तो बच जाएगा लेकिन जो उसमें सामान रखा है जिस टेम्परेचर पर हमने उसे मेंटेन रखना था वो खराब हो जाएगा। और अगर हम इसको 1 नंबर पर सेट कर देते हैं दोस्तों तो कंप्रेशर रिले स्टेटस इज ऑन, यानी कि अगर हम इसको 1 नंबर पर सेट कर देते हैं तो कंप्रेशर रिले ऑन, यानी कि हमारा कंप्रेशर चलता रहेगा प्रेब जो हमारा प्रोब फेल होने की स्थिति में। उसमें क्या होगा, हमारा कंप्रेशर भी खराब हो सकता है और हमारा जो पदार्थ उस मशीन में रखा है वो भी खराब हो सकता है दोस्तों। और अगर हम इसको 2 नंबर पर रख देते हैं दोस्तों तो कंप्रेशर रिले परफॉर्म ए ड्यूटी साइकिल फॉर C n 4 मिनट्स ऑफ एंड C y 4 मिनट्स ऑन।
दोस्तों अगर हम इसको 2 पर सेट कर देते हैं तो इससे हमारा जो सिस्टम है अगर प्रोब फेल हो जाती है तो ना तो वो बंद होगा और ना ही वो चालू रहेगा। आगे दो फंक्शन आएंगे CN और CY, जो सेटिंग्स हम उन फंक्शन में करेंगे CN और CY में उसके हिसाब से हमारा कंप्रेसर 10 मिनट चलेगा 5 मिनट बंद रहेगा या 5 मिनट चलेगा 10 मिनट बंद रहेगा। इस कंडीशन को हम अप्लाई कर सकते हैं उन दो पैरामीटर के हिसाब से। वो आगे आएंगे पैरामीटर्स, मैं वो आपको बताऊंगा दोस्तों, वो भी सिर्फ चतुर्दशी के मॉडल में ही आपको मिलेंगे दोनों पैरामीटर। जो ये पैरामीटर था ये आपको अन्य मॉडल में मिल जाएगा, मैं आपको इसकी सेटिंग आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगा दोस्तों, क्योंकि पैरामीटर्स दोस्तों बहुत हैं और वीडियो लंबा हो जाएगा तो हम उसको प्रॉपर समझ नहीं पाएंगे। मेरी कोशिश यही है कि मैं आपको एक सिंपल वे में, एक सिंपल भाषा में इन चीजों को समझाऊं ताकि आप 75-10T के पैरामीटर को सेट करने में कंफ्यूजन में ना जाएं। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा, लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आप मेरे को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर पा सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।